नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई एक्सेसरीज जो मैंने अपने वीडियो शूट के लिए खरीदी है, वो है जेनरिक माइक। सिर्फ 130 रुपये का ये माइक है जो मैंने खरीदा है जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस। एंड ट्रस्ट मी, इसका जो आउटपुट है, जो इसका रिजल्ट है, एंड रिजल्ट, वो बहुत ही अच्छा है। तो आई एम सेटिस्फाइड कि मेरे अभी जो भी वीडियोज़ हैं उस पे जो ऑडियो आउटपुट रहता है वो एकदम प्रॉपर आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि ये माइक मैंने अपनी कॉलर पे लगा के रखा है और इससे ही मैं वो वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने मोबाइल के थ्रू, और आपको आवाज़ उसी के थ्रू आ रही है। विदाउट इसके उसकी आवाज़ कैसे आती है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो विदाउट इस माइक के सुन रहे हैं, जो डायरेक्टली मेरे फ़ोन से जो वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके माइक से मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। दोस्तों, ये है वो माइक जो लेंथ में ज़्यादा नहीं है, पर कुछ अराउंड 1-1.5 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जो सफिशेंट है मेरे ख्याल से। अगर आप वीलॉग करते हैं या नॉर्मल वीडियो शूट करते हैं तो भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरी आवाज़ इतनी क्लियर कैसे आ रही है माइक निकाल के, ये रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि वो मैं कैसे किया। दोस्तों, ये वो माइक है जिसको मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर दिया है और अभी मैं इसके थ्रू ही बात कर रहा हूँ। आप नोटिस कर रहे होंगे थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है मेरी आवाज़ में, जितना दूर और पास है उसके हिसाब से। तो माइक को यूज़ करने के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि लोग कॉलर पे लगा के माइक करते हैं। अभी सपोज ये मेरा कॉलर में लगा हुआ है तो ये अच्छी साउंड कैप्चर करता है। आपको थोड़ा सा लाउड और क्लियर बोलना पड़ेगा, तब आपको जाके वो आउट एंड रिजल्ट अच्छा मिलेगा। उसके अलावा एक नॉर्मल किसी भी स्टैंड पे रख के आप इसको अगर ऐसे सामने रख के अगर बोलेंगे तो एकदम क्लियर आवाज़ आएगी, जैसा कि अभी आपको फील हो रहा होगा। आप इसको साइड में रख के करेंगे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं तो हमारे जो मुंह से जो हवा निकलती है वो साउंड भी ये कैप्चर करता है। तो आई हैव नोटिस के 130-150 रुपये में ये माइक बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा माइक है। अगर आप वीडियो शूट करते हैं या साउंड रिकॉर्डिंग आपको नॉर्मल करनी है, कराओके के लिए आपको सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने हैं, उसके लिए भी परफेक्ट माइक है, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसका शेयर करूँगा, तो आपको उस पर क्लिक करके आप वो परचेज़ कर सकते हैं। आई वुड गिव 9 out of 10 फॉर दिस पर्टिकुलर माइक। वाई? बिकॉज इट इज़ चीप, इट इज़ गुड फॉर स्टार्टर जो अपना नया नया चैनल शुरू कर रहे हैं या फिर नया नया कुछ करना चाहते हैं, पर अननेसेसरी 800, 1000, 1200 और कहीं कहीं 15000 के भी माइक्स आते हैं, उसमें पैसा स्पेंड करने से अच्छा है ये ट्राई करो। परफेक्ट हो उसके बाद नो डाउट जो 800-1000 वाले हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत बेटर रहती है। बोया कंपनी का एक माइक आता है जो कि मैंने भी रिसेंटली ऑर्डर किया है, उस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए दैट इज़ वेरी गुड। और उसमें एक कंडेंसर भी लगा हुआ रहता है जो आपके नॉइज़ कैंसलेशन में सपोर्ट करता है। तो यस, उसका भी मैं रिव्यू जल्दी करूँगा, बट अभी के लिए इससे ही काम चला रहा हूँ। एंड आई होप कि ये बढ़िया ही साउंड आउट दे रहा है और आई एम हैप्पी विद इट। सो ट्राई कीजिए दोस्तों, और बाकी जो भी नई एक्सेसरीज है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।